हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का 15वां टॉपिक सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, प्रीवियस पेपर्स में लगातार यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और आगे भी बनेंगे, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके पहले आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार भी पढ़ा था, आज आप सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी कई देश शामिल हुए थे और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी कई देश शामिल हुए, इसीलिए इसका नाम ही वर्ल्ड वार है, विश्व युद्ध है, कई सारे देश शामिल हो रहे हैं। पहले विश्व युद्ध की तरह इसमें भी दो प्रमुख गुट होंगे जिनका अपना अपना स्वार्थ होगा, अपना लाभ होगा, और इसी स्वार्थ और लाभ के कारण ये विश्व युद्ध दोबारा से होगा। ओके, तो एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखना है, हल्का भी ध्यान भटकाना नहीं है, और एकदम कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ आप इस पूरे वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पसंद ना आए तो डिसलाइक करना। ओके, कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके डाउट हों जो पूरे ना हुए हों वीडियो में तो कमेंट करना, मैं आपको उसका आंसर कमेंट करके बताऊंगा। ओके, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो भी पहले वर्ल्ड वार की तरह ही, जो देश थे कई सारे देश, उनके अंदर जो ईर्ष्या थी, जो द्वेष थी, जो उपनिवेश कॉलोनीज ज़्यादा इस्टेब्लिश करना, अपने साम्राज्य इम्पीरियल को बढ़ाना और विश्व में ओवरटेक करना, विश्व में एकाधिकार करना, ये कई सारे कारण थे जिसने पहले विश्व युद्ध की तरह दूसरे विश्व युद्ध का भी मार्ग प्रशस्त किया। भाई लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, ईर्ष्या द्वेष है ना, या कोई बहुत अपने आप को बलवान समझे या कोई बहुत कमजोर है, उसको लगे कि मेरे अंदर अचानक से ब्रह्मांड की सारी शक्ति आ गई है और वो जाके ताकत और आदमी से भिड़ जाए तो क्या होगा, मारने पड़ेगा। तो भाई मार पड़नी पड़नी है, लड़ाई होनी होनी है। तो याद रखना, हर युद्ध के, हर लड़ाई के क्या होते हैं, कुछ ना कुछ तात्कालिक कारण होते हैं, सडन रीजन, मतलब हमारे आपके बीच में 10, 20, 50 साल से दुश्मनी और तुरंत लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, गोली चलने लगी, तो भाई मान के चलो कि कुछ आपने या मैंने या किसी तीसरे आदमी ने, थर्ड आदमी ने आके कुछ पेंच मारा होगा कि भैया वो तुम्हें ये कह रहे थे, दीदी तुम्हें ये कह रहे थे, और तुम भड़क गए, हम भड़क गए, हुआ क्लियर। तो याद रखना, ये एकदम बेसिक पॉइंट होता है कि हर लड़ाई, हर झगड़े, हर युद्ध के क्या होते हैं, तात्कालिक कारण होते हैं, कुछ ना कुछ सडन रीजन होते हैं जिसके कारण से युद्ध लड़ाई अनिवार्य कंपल्सरी हो जाती है। कुछ लोग ना पर्सनल ले लेते हैं कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरे स्वाभिमान को धक्का लग गया, अब तो सामने वाला रहे या मतलब उस रहना नहीं चाहिए। और बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन चाहे पूरा जीवन जेल में डला रहूं, कारागार में रहूं, लेकिन सामने वाले को मार दूंगा। ये सब कोई बात होता है बात, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कुछ बड़ा, तभी तो आदमी ने यहां तक सोच लिया। तो हर युद्ध का अपना तात्कालिक कारण होता है, पहले विश्व युद्ध की तरह सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ उसका भी अपना तात्कालिक कारण था। फर्स्ट वर्ल्ड वार वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी सक्सेसर की हत्या कर देना, जिसके कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, और यही बड़ा तात्कालिक कारण था। जबकि सेकेंड विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था, जो जिसने विश्व युद्ध की न्यू फाउंडेशन डाल दी थी, बस आग लगनी बाकी थी, बस चिंगारी सुलगनी बाकी थी, और वो चिंगारी तात्कालिक कारण के रूप में सेकेंड विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार को मिल जाती है। तो बड़ा रीजन क्या था सेकेंड विश्व युद्ध का, जो सेकेंड विश्व युद्ध का सबसे बड़ा रीजन हम नहीं, इतिहासकार बताते हैं, वर्साय की संधि थी। तो वो काला दिन, कौन दिन, 28 जून 1919, डेट याद रखना। मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार में बताया भी था, फिर से रिपीट कर देता हूं आपको, मैंने जब नाजीवाद पढ़ाया था जर्मनी का, नाजिज्म इन जर्मनी, तब भी वर्साय की संधि बताई थी। हिटलर ने जर्मन लोगों
को अपनी तरफ कन्वर्ट कर लिया और उनका ब्रेन वॉश कर दिया, उनमें नेशनलिज्म राष्ट्रवाद पैदा कर दिया और बरगला कर अपने तरफ मिला लिया और दुनिया को अंधकार में डाल दिया सेकेंड वर्ल्ड वार के रूप में। तो बार बार वर्साय की संधि का पेंच मार मार कर ना सोए हुए लोगों को जगा दिया हिटलर ने। जो साइलेंट मोड में थे वो क्या हो गए, वो वाइब्रेट करने लगे। जो सुसुप्तावस्था में थे उनमें अचानक से चेतना आ गई, मतलब चेतना शून्य लोगों को चेतना युक्त बना देता है हिटलर इसी वर्साय संधि का जिक्र कर करके। तो 28 जून याद रखना, 28 जून 1919 इस दिन वर्साय की संधि हुई थी। और वर्साय की संधि के साथ ही क्या हुआ था आप जानते होंगे, जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्रों ने बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया, बहुत ज़्यादा पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वार का हर्जाना कंपलसेशन इसी पर डाल दिया और ये बेचारा पूरी तरीके से प्रेशराइज हो गया। तो वर्साय की संधि को दूसरे भी नाम से जानते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आरोपित संधि याद रखना, वर्साय की संधि को किस दूसरे नाम से जाना जाता है ये पूछा गया प्रश्न है। तो आरोपित संधि मतलब सामने वाले पे थोप दिए देना, भाई समझौता होना चाहिए तो लगभग दोनों को फायदा होना चाहिए या 19-20 होना चाहिए, एक को ज़्यादा फायदा एक को कम फायदा। लेकिन जब आप बराबरी समझ रहे हो, बराबरी के आधार पर आप न्याय कर रहे हो, तो भाई न्याय में किसी को ज़्यादा मिले किसी को कम मिले ये कहाँ का न्याय है। तो पक्षपात की जगह ही नहीं होती पार्शियलिटी की, किसमें, किसी भी संधि में जिसमें बराबरी की बात की जाए, जिसमें न्याय की बात की जाए। लेकिन इन अमीर देशों ने, ताकतवर देशों ने क्या किया, जर्मनी को वर्साय की संधि के रूप में दबा दिया। ओके, इसीलिए इसको आरोपित संधि के नाम से जानते हैं। और वर्साय की संधि को सेकेंड वर्ल्ड वार का गर्भगृह बोलते हैं, याद रहेगा गर्भगृह। गर्भगृह मतलब जानते हैं, गर्भगृह इज अ प्लेस वेयर स्टैचूज ऑफ गॉड आर सिचुएटेड। तो गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ भगवान की मूर्तियाँ स्थापित होती हैं, जानते होंगे पूजा पंडाल है ना। तो ऐसे जैसे वो एक मेन जगह होता है घर का, ऐसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वार का मेन रीजन क्या था, ये वर्साय की संधि। तो किस संधि को सेकेंड वर्ल्ड वार का गर्भगृह कहा जाता है, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है ये भी याद रखना। तो वो है वर्साय की संधि। वर्साय की संधि को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आरोपित संधि। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सारा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको क्लियर हो जाएगा भाई साहब। मैं कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं हूँ, ना कोई आप गुलाम हो कि आप मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन दोस्त मैं वादा करता हूँ कि आप थोड़ा सा समय जो दो मुझे, वो भी इस लॉकडाउन में, कीमत तो समय का हर वक्त होता है, लेकिन थोड़ा सा लॉकडाउन में कीमत समय की या वक्त का कीमत थोड़ा सा कम हो गया है। समझ लो यहाँ पर भी मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन वगैरह है, तो याद रखना है रिसेशन मंदी वगैरह यहाँ भी चल रही है, तो ऐसे समझो आप। लेकिन आप थोड़ा सा वक्त दो मुझे और मैं आपको ना बहुत बड़ा मास्टर बना दूंगा इतिहास का, ये वादा है। एक एक कॉम्प्लिकेटेड और एकदम क्लिष्ट और कठिन इतिहास को एकदम इजी वे में बताऊंगा। मेरा नाम जितेन तिवारी है और मेरा लोगो है सरलता जिनकी पहचान। ओके, तो कितना सरल मैं पढ़ाता हूँ। मेरे वर्ल्ड हिस्ट्रीज में जो सीरीज़ आ रही हैं, अभी तक मैंने 15 टॉपिक करवाए, कोई भी टॉपिक जाके देखना, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट ना समझ में आए ना तो गोली मार देना मुझे। ओके, गोली कैसे मारोगे, मिलोगे तब ना। तो हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर, क्या हुआ क्लियर कि सेकेंड वर्ल्ड वार का तात्कालिक रीजन कुछ और था। हाँ बताऊंगा आगे आपको, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था वो वर्साय की संधि थी। इसके साथ ही और भी कई सारे रीजन थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या था कि बहुत सारे देश आपस में ईर्ष्या कर रहे थे, द्वेष कर रहे थे, अपने साम्राज्य अंपायर को बढ़ा रहे थे, इंपीरियलिज्म की भावना थी। हाँ, और फिर उसके बाद क्या था कि उपनिवेश बढ़ा रहे थे, कॉलोनीज बढ़ा रहे थे, औद्योगिकरण हो गया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गई थी, क्रांति हो गई थी, जिससे बहुत तेजी से बाजार का कॉन्सेप्ट आ गया था और
एक दूसरे देश से आगे निकलने की लालसा पहले वर्ल्ड वार का रीजन था, यही सब रीजन सेकेंड वर्ल्ड वार का था, बस इसमें कुछ नया हुआ था। तो अब ना परंपरागत ट्रेडिशनल युद्धों मतलब हथियारों के बजाय अब बड़े बड़े हाईटेक वेपन्स बनने लगे थे, बड़े बड़े अत्याधुनिक हथियार आ गए थे। अब तकनीक टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस बहुत आगे निकल गई थी। अब परमाणु बम, अणु बम और बहुत सारे बड़े बड़े मिसाइल, टैंक और राइफल्स वगैरह का आविष्कार हो चुका था। तो अब दुनिया में ना तेजी से क्या हो रहा था, सैनिकरण बढ़ रहा था, बड़े पैमाने पर सेना बढ़ रही थी और उसकी संख्या बढ़ाई जा रही थी। कई सारे देश अपनी सेना को अत्याधुनिक और मजबूत हाईटेक बनाने पर जोर दे रहे थे, जिसके कारण ही क्या हुआ, आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई और यही होड़ आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वार के रूप में दुनिया देखेगी। ओके, तो सेकेंड वर्ल्ड वार भी फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह दो गुटों का एक युद्ध था जिसमें कई देश शामिल हुए। कितने देश शामिल हुए, सारी जानकारी और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो आगे हम लोग MCQ के जरिए सारे क्वेश्चंस समझते हैं, सारा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर है क्या। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दें तो और भी एक्सप्लेनेशन करता जाऊँगा। तो पहला प्रश्न देखिए, बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर एक, जर्मनी पर किस देश के आक्रमण से सेकेंड विश्व युद्ध आरंभ हुआ, ये भूलना नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 सितंबर, कितना सितंबर, पॉइंट से बी नोटेड, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। याद रखना, किस देश पर आक्रमण कर दिया, 1 सितंबर, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण के साथ ही, ये आक्रमण जो था ना, ये सेकेंड विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था, पूछा गया प्रश्न है। जैसे मैंने बताया ना, फर्स्ट विश्व युद्ध का रीजन क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई बोस्निया पर ना, और यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या था रीजन, तात्कालिक कारण, सडन रीजन, तो वो क्या था जो मैंने बताया, पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण, ये सेकेंड विश्व युद्ध का तात्कालिक या सडन, SUDDEN, सडन रीजन था, ठीक ना। अब पोलैंड किसका साथी था, पोलैंड साथी था मित्र राष्ट्रों का, इसलिए मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, धुरी राष्ट्र के खिलाफ, मतलब जिसने पोलैंड पर आक्रमण किया था तो दूसरा गुट कौन था, धुरी राष्ट्र। पहले वर्ल्ड वार में भी दो गुट थे ना, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, तो धुरी राष्ट्र की तरफ कौन था, जर्मनी था। तो अब मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्र या फिर जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। ये कौन सी डेट थी, तो 2 दिन बाद, तो कितना, 3 सितंबर, 3 सितंबर को, 3 सितंबर को क्या हुआ, इस महायुद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। तो अगर पूछा जाए सेकेंड विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939। और अगर पूछा जाए यही प्रश्न जो पूछा गया है कि सेकेंड विश्व युद्ध की शुरुआत या आरंभ कब मानी गई या किस युद्ध से मानी गई या रीजन क्या था, तो याद रखना, जर्मनी पर एक नहीं, 2 देशों ने मिलकर एक साथ अटैक कर दिया, क्योंकि जर्मनी बड़ा ताकतवर देश था। ओके, और हिटलर के नेतृत्व में और ज्यादा ताकतवर हो गया था, जिसके कारण 2 देश मिल गए, फ्रांस और इंग्लैंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, तो ए और बी दोनों होगा। तो किस देश ने आक्रमण कर दिया, तो संयुक्त रूप से ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया 3 सितंबर 1939 को, और यहीं से सेकेंड विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब जो जिस गुट का फेवर समर्थन करता था, वो देश उस गुट में शामिल हो गया,
ठीक ना, जैसे गुटबाजी ना होती है, देखो आप गांव में शहरों में भी तो होती है, कोई दो पड़ोसी में लड़ाई हो जाए तो देखो दो लोग एक के फेवर में बोलेंगे, दो एक के फेवर में, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाए तो कुछ रिश्तेदार भी देखो तो एक एक के बारे फेवर में बोलते हैं, एक एक के, ऐसे पंचायत में भी देखा होगा। हाँ, तो बहुत कम जगह देखा होगा आपने न्याय हो सही से, नहीं तो ऑलमोस्ट क्या होता है, गुटबंदी हो ही जाती है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी देखा होगा आपने, गुट बनते हैं। हाँ, गुट होना भी स्वाभाविक है। तो जो विचारधारा होती है, आइडियोलॉजीज अगर मिलेगी तो ऑटोमेटिक गुटबंदी हो जाएगी, गुटबाजी होने लगेगी, है ना। तो ये क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि सेकेंड विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया। तो इसके पहले मैंने ये भी बताया था आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार वाली वीडियो में कि हाउ मेनी कंट्रीज वर इंक्लूडेड वर इन्वॉल्व इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसका आंसर क्या था, 37, 37, और इसका क्या है, लगभग दुगना। इतना क्लू मैंने दे दिया, अब बताओ क्या होगा, 31, 41, 51, 61, तो क्या होगा, 61। 61 देश शामिल हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में 37, 37। ये एकदम दिमाग में नोट कर लेना, ओके, और नोट्स बनाते जाना, साथ साथ नोट्स बनाना। अभी भाई पीडीएफ की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी क्वेश्चंस, एमसीक्यू वगैरह, नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाने लगूंगा। अभी उतना लॉकडाउन वगैरह या के कारण, या फिर स्मार्ट बोर्ड अभी नहीं आ पाया है, जिसके कारण वो फैसिलिटीज़ नहीं है दूसरे चैनल्स की तरह। अभी एकदम मैं हूँ, और मेरे से आप जो ले लो, सो मैं देने को तैयार हूँ नॉलेज में, ठीक, जितना नॉलेज है उससे भी ज़्यादा प्रयास करूँगा कि आपको सर्व किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। तो अगला प्रश्न क्या है, मित्र राष्ट्र गुट में कौन देश शामिल नहीं था। तो मैंने बताया दो गुट थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों का ग्रुप गुट था। तो पूछ रहा है मित्र राष्ट्र में शामिल देश नहीं था, तो ऑप्शन क्या है, जापान, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। तो भाई अलग किसको करना है, जापान। जापान किसका है, धुरी राष्ट्र का समर्थन करता है, याद रखना। तो अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, ये क्या है, ये मित्र राष्ट्र में शामिल थे। अमेरिका तो बाद में शामिल होता है, ये शामिल होता है 8 दिसंबर 1941 में, 8 दिसंबर 1941 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ शामिल हो जाता है, उनकी तरफ से लड़ाई लड़ता है। अगर पूछा जाए सेकेंड विश्व वर्ल्ड वार में द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित अंतिम राष्ट्र कौन था, तो हिच कंट्री वाज डिफीटेड बाई मित्र वाज मित्र राष्ट्र फाइनली, तो अल्टीमेटली कौन सा देश सबसे अंतिम में पराजित हुआ था मित्र राष्ट्रों से। तो थोड़ा सा भावनाओं को समझिएगा, अंग्रेजी पर मत जाइए, है ना। तो क्या होगा, तो वो होगा जापान, ये भी याद रखना है। यहाँ भी होगा जापान, वहाँ भी जापान होगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जापानी साम्राज्यवाद में आपको बताया था ना, कि कैसे धीरे धीरे जर्मनी की पावर कम होती गई और जापान की पावर बढ़ती गई, और एक समय ऐसा आ गया जब जर्मनी बहुत जापान जर्मनी को पीछे छोड़कर जापान बहुत ताकतवर हो गया। लेकिन फिर आता है अमेरिका, और अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर दो परमाणु बम गिराकर, एटम बम गिराकर बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जापान और दुनिया को, और अब दुनिया में विश्व शक्ति का स्थान जापान से छीनकर अमेरिका के पास आ जाता है। और आज भी दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन है, अमेरिका है, तो याद रखना। लेकिन फिर भी कोरोना का केस वहाँ बहुत ज़्यादा है, भारत में बहुत कम है अपेक्षाकृत हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग भी लग रहा है ना ताकतवर बन रहे, सुपर पावर, और हमें लगता है कोरोना के बाद जो नया डेटा आएगा उसमें कहीं भारत विश्व शक्ति ना बन जाए, और हर देशों को पीछे कर, टॉप देशों को पीछे कर भारत महाशक्ति ना बन जाए। तो आप ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, सत्य बात है। तो इसीलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा बताए गए दिशा निर्देश गाइडलाइन का पालन करिए, और भारत को विश्व शक्ति बनने में क्या करिए, आप योगदान करिए, अपना भी रोल निभाइए। हाँ,
कि ताकि हम लोग भी ये कह सकें कल को जब इतिहास पढ़ा जाए बनाया जाए तो आप भी जीते जी भारत को सुपर पावर या टॉप पोजीशन पर इस्टेब्लिश होते हुए देखना चाहते हैं ना जी। तो याद रखना मित्र राष्ट्रों में कौन देश शामिल नहीं था, जापान। अब अगर पूछ ले आपसे ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल देश, तो याद रखना जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, ये कुछ महत्वपूर्ण और बड़े देश हैं जो मित्र राष्ट्र में शामिल थे। याद रखना जर्मनी, इटली, जापान, ये ध्रुवीय राष्ट्र हैं, और मित्र राष्ट्र फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह क्या हैं, ये नोट करना है आपको, ठीक ना, मित्र राष्ट्र हैं। तो इतना नोट कर लो आप, आगे फिर कराता हूँ, इतना नोट कर लो आप। आगे समझते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, चौथा प्रश्न क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण को किसकी संज्ञा दी गई। तो याद रखना धीरे 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 रूस भी बहुत ताकतवर देश के रूप में उभर कर आता है। रूस को 1991 से पहले सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, लेकिन आगे चल के 1991 में इस सोवियत संघ का 15 टुकड़े हो जाते हैं, और अब ये सोवियत संघ टूट जाता है, और इसी को अब उसमें जो सबसे बड़ा भाग था उसको हम रूस के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये याद रखना है। तो 1991 से पहले ना सोवियत संघ, या यूं कहेंगे रूस, बहुत ताकतवर था, लेकिन फिर ये 15 देशों में डिवाइड टूट जाता है, 14 नए देश इससे बने, जिससे रूस आगे चल के कमजोर हो जाता। नहीं, एक समय था रूस बहुत ताकतवर था, तो रूस के खिलाफ भी जर्मनी ने एक्शन लिया, और उसी से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण को किसकी संज्ञा दी जाती है। तो ये एक ऑपरेशन है जो चलाया था उसने, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन रेड स्टार, ऑपरेशन बारबोसा, ऑपरेशन कामागाटा मारू। तो याद रखना ऑपरेशन बारबोसा, एक्चुअली 1939 में सोवियत संघ और जर्मनी का समझौता हुआ था, लेकिन इस समझौते के खिलाफ जर्मनी ने ऑपरेशन बारबोसा के तहत रूस पर आक्रमण कर दिया 1941 में, ठीक ना। और याद रखना सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी को अगर किसी देश से सबसे ज़्यादा टक्कर मिली, या उसकी पराजय का कोई मुख्य रीजन था, कोई मुख्य शत्रु था पराजय का रीजन, या यूँ कहें कि सब उसकी पराजय में बड़ी भूमिका निभाई, तो वो था रूस। रूस ने सबसे ज़्यादा टक्कर दी थी और बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था इससे, किसको, जर्मनी को। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि सबसे ज्यादा टक्कर जर्मनी को किस देश ने दी, तो रूस ने दी। आगे चल के हम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कि अब दुनिया दो गुटों में बट जाएगी, और एक गुट होगा साम्यवादियों का, या यूं कहें कि समाजवादियों का, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को मानेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था को। दूसरा होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वालों का, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानेंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अमेरिका और सोशलिस्ट इकोनॉमी रूस। तो अब दुनिया में जो मेन ताकतवर देश थे वो दो गुटों में आ गए, उनके सामने दो गुट का ऑप्शन हुआ। तो यूं कहें कि मॉस्को और वाशिंगटन अब दुनिया में बड़े बड़े निर्णय डिसीजन लेने लगा, ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ 1918 में, तो उसने सेकेंड वर्ल्ड वार के का बीजारोपण कर दिया, मतलब ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद ही क्लियर हो गया कि जिस तरीके से इसकी एंडिंग हुई है, पक्का है कि सेकेंड वर्ल्ड वार होगा। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हुआ जापान के आत्मसमर्पण करने के साथ ही, सरेंडर करने के साथ ही, तो अब दुनिया ने ये देख लिया था कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, और अब दुनिया ने ये भी देख लिया कि परमाणु बम और अणु बम क्या होता है। ओके, तो दुनिया ने बहुत बड़े पैमाने पर विनाश देखा था। तो अब दुनिया को ये एहसास हो गया था,
चाहे वो विकसित देश हो, चाहे वो विकासशील, चाहे डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री, कि अब अगर विश्व युद्ध हुआ तो भैया विनाशी विनाश है और कोई फायदा नहीं युद्ध का। मतलब अगर हमें विकास करना है तो युद्ध नहीं करना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार से दुनिया ने ये सीख ली कि अब हम प्रयास करेंगे कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल वगैरह में कि तीसरा वर्ल्ड वार होना है, न्यूज़ चैनल वगैरह वाले ना देखा होगा। बीच में मैं जी न्यूज़ देखता हूँ, बहुत लोग जी न्यूज़ देखते होंगे, तो जी न्यूज़ वाले ये कर रहे थे बस परमाणु बम मतलब गिराएगा पाकिस्तान इंडिया पर या इंडिया पाकिस्तान पर गिराएगा, परमाणु बम हमले के दौरान ये करें ये ना करें, पूरा दो दो घंटे का पूरा उनका एपिसोड शो आता था। नहीं, लेकिन कभी हुआ क्या? दावा है मेरा 99.99% होगा भी नहीं, 0.01% हमेशा छोड़ के चलता हूँ, भाई हो ही जाए कल तो क्या करेगा आदमी। तो याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया ने रियलाइज कर लिया कि अब युद्ध हमारा मोटो नहीं है, हमारा विकास है। अब चाहे विकसित देश हों या विकासशील देश हों, ये देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे, कॉपरेट करेंगे। आप जानते हैं किसी देश को अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है तो अकेले खुद के दम पर नहीं होगा, दूसरे एक देश दूसरे देश की मदद करेंगे। मतलब दुनिया भर की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी होती है, आप जानते हैं इंटरेक्ट होती हैं। और अगर एक देश की कोई बड़ा देश है उसकी इकोनॉमी गिरी, उसकी अर्थव्यवस्था गिरी, तो दूसरे जो संबंधित देश हैं उन पर भी उसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और उसकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर सकती है। तो अब दुनिया ने बहुत ज़्यादा सीख ली और ये भी है कि अब तेज़ी से आविष्कार भी और ज़्यादा होंगे, है ना। लेकिन दुनिया बड़ी समझदारी से काम करेगी, यूं कहें कि फूंक फूंक पक कर काम करेगी, ओके। और इसी से संबंधित है आपका अंतिम या लास्ट क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन, प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सेकेंड विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था, तो क्या था सबसे बड़ा योगदान? तो वो था आपका ना WHO, ना IMF, ना UN, ना IRDA, बल्कि UNO, ओके। तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो फिर क्या बना? राष्ट्रसंघ बना, ओके। और अब क्या बना? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ये पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO कब बना, तो याद रखना UNO बनता है आपका 24 अक्टूबर 1945, पूछा गया प्रश्न है। और भारत UNO का मेंबर कब बना, तो पॉइंट शुड बी नोटेड, भारत तो गुलाम था ब्रिटेन का, तो लोग बताते हैं कि यार ये तो 47 के बाद ही बनेगा। अरे यार क्या 47 के बाद बनेगा, ओके। तो ये सब तो गलत करने वाले प्रश्न ही नहीं है, ये तो याद करना पड़ेगा। तो ब्रिटेन के अधीन था भारत और उसी दौरान ब्रिटेन के नेतृत्व में भारत ने UNO की मेंबरशिप ली और वो 6 दिन बाद की घटना थी, मतलब 30 अक्टूबर 1945 को भारत UNO का मेंबर बना। तो इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ UNO इन 30 अक्टूबर 1945, ये भूलना नहीं है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद क्या होगा, कई सारे जो बड़े बड़े देशों के उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी, गुलाम थे, अब उन गुलाम देशों में भी राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म तेजी से उनमें प्रसार करेगा। और अब बहुत सारे बड़े बड़े ताकतवर देश भी इन गुलाम देशों का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, और इन्हीं देशों के समर्थन से भारत जैसे कई देश अब 1940, 50, 60, 70 के बीच में आज़ाद होने लगेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज भी मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, हाँ, कि हम वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत पर चलें और एक देश दूसरे देश की मदद करें, हाँ, इस तरीके से हम फिर थर्ड वर्ल्ड वार को रोक सकते हैं, नहीं तो फिर दुनिया का अंत कंपलसरी है, अनिवार्य है, ओके। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको सेकेंड वर्ल्ड वार का समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग और भी जो रेस्ट टॉपिक्स हैं, जैसे आपने सुना होगा कोल्ड वार, शीत युद्ध, बहुत बीट कर रहे थे ना आप लोग कि सर कोल्ड वार भी पढ़ाइए, तो अब फ,
फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया, अब कोल्ड वार ही आप पढ़ेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। कोई डाउट आपका रह गया हो तो कमेंट करके छोड़ दीजिए, हम उसका आंसर आपको बताएंगे। तो नोट कर लें सब।